कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी पर भड़कता हुआ नजर आने वाला है इस समय बलविंदर। और बलविंदर की बात की जाए तो बलविंदर इसलिए भड़कता हुआ नजर आएगा कि लक्ष्मी तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब सीधा सीधा बलविंदर की टकरार जो होने जा रही है वो होने जा रही है ऋषि के साथ में। जी हाँ, क्योंकि बलविंदर बोलता हुआ नजर आएगा कि इसने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें आज भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम फिर भी ऋषि के लिए ही तड़पती हो, तुमने मेरे साथ में धोखा क्यों। यहां तक की बात की जाए तो अब लक्ष्मी की चाची की खुद की पोल खुलने जा रही है। बलविंदर बोलता हुआ नजर आएगा कि मैंने तो तुम्हारी चाची को रुपये भी दिए थे तुम्हारी शादी करने के लिए, और अब बीच मंडप में बहुत बड़ा तमाशा बनने जा रहा है। जिसके बाद में लक्ष्मी ने बोल दिया है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं, क्योंकि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसको तुम्हारी जरूरत है, और मैं किसी भी लेडी का कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। और वाकई में दोस्तों, लक्ष्मी ने यह साबित कर दिया है कि उसका जैसा दिल किसी का हो ही नहीं सकता। आप लोग जानते ही है, अगर लक्ष्मी की बात की जाए तो लक्ष्मी पहले भी अपनी मर्यादा में ठीक थी और आज भी अपनी मर्यादा में बिल्कुल खरी उतरी हैं। क्योंकि लक्ष्मी की अगर बात की जाए तो लक्ष्मी ने यह साफ साफ सिद्ध कर दिया है कि जो वो करती हैं वो बहुत सोच समझकर, और आयुष और बानी की प्लानिंग और सालों की प्लानिंग बिल्कुल काम आई है। जी हाँ, क्योंकि अब इस समय बलविंदर की शादी जो हुई है उसकी वाइफ के साथ में यानी कमली के साथ में हो चुकी है। और कमली की बात की जाए तो कमली ने लक्ष्मी से खुद ने बोला था कि लक्ष्मी किसी भी तरीका से तुम मेरे पति को मत छीनना, हो सकता है तो अगर वो शादी के लिए जोर दे रहा है तो तुम किसी तरीका से मुझे बैठा देना। और लक्ष्मी ने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि लक्ष्मी जिससे एक बार वादा कर देती है अपना वादा बिल्कुल नहीं तोड़ती। वहीं मलिष्का की बात की जाए तो मलिष्का इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रही हैं। मलिष्का का मानना यह है कि लक्ष्मी ने सबको धोखा दिया है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से अनुरोध करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके जरूर बताएगा।